सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस करियर काउंसलिंग के एक और एपिसोड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। फुल इन्फो बोल सकते हैं, सम शॉर्ट इन्फो, मतलब बहुत सारे बच्चों को इन्फो, मतलब बोल सकते हैं इन्फो की नीड भी है और बहुत सारे डाउट भी है रिलेटेड टू अग्निपथ स्कीम, जो हमारे पास 14 जून में अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई है। बहुत सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, अग्निपथ स्कीम है क्या, इसके बारे में बच्चों को डिटेल चाहिए कि सर इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी बेसिक डिटेल है, क्या ये पूरा प्रोसेस है। मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है, आपको बहुत घिच पिच लग रहा है, मैं बहुत अच्छे से एक एक लाइन को अच्छे से समझाता हूँ। बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें यहाँ पर लिखी गई और बहुत सारे आपके इससे रिलेटेड डाउट भी यहाँ पर क्लियर होंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या है, हु कैन अप्लाई इस वाली जॉब में जो 14 जून से है, बोल सकते हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन हुआ है, मैंने इंट्रोडक्शन दिया हमारे, ये बोल सकते हैं ऑनरेबल पीएम है, उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या ये स्कीम गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, यस बोथ मैन एंड वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 17.5 एंड 21, बोल सकते हैं बॉयज और गर्ल्स जिनकी एज 17.5 से 17.5 साल से 21 साल के बीच में जिनकी भी एज है, वो इस वाली स्कीम के लिए एलिजिबल है, इजिली अप्लाई कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, पहला डाउट, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। सेकंड हमारे पास क्या है, हाउ इज इट, ये है क्या चीज, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं। इट्स अ गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ये गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है दैट विल गिव द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स अ मोर यंग इमेज, यस बोल सकते हो, मैंने बताया अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है जो हमारी आर्मी नेवी और फोर्स तीनों ही फोर्सेस को एक यंग इमेज देगा, जिसकी हम बोल सकते हैं हमारी आर्मी में जो एवरेज एज है 32 है, जो इसके बाद अप्लाई होने के बाद एक दो सालों में चेंज होकर 32 से एवरेज एज ऑफ द, बोल सकते हैं जो हमारे पास नौजवान जो सोल्जर्स हैं उनकी एज क्या है, एवरेज एज 32 और चेंज होकर 26 में कन्वर्ट हो जाएगी। 32 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 26 में, ये न्यू इमेज मिलेगी, यंग इमेज मिलेगी हमारी आर्म्ड फोर्स को, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर। थर्ड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम, आप ऑनलाइन की हेल्प से इसे फिल कर सकते हैं, बोल सकते हैं अग्निपथ स्कीम जब भी निकलेगी, कब निकलेगी वो भी यहाँ पता चल जाएगा। इससे ऑनलाइन प्रोसेस जैसे हम SSC के नॉर्मल फॉर्म फिल करते हैं वैसे इसे फॉर्म फिल करेंगे इजिली। इसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, ट्रेनिंग भी होगी, बोल सकते हैं आर्मी की जो पहले ट्रेनिंग होती थी 2 साल की, 1 साल की, 3 महीने की, डिफरेंट कुछ हफ्तों के हिसाब से होती थी, तो अब वो ट्रेनिंग होगी 6 महीने के आसपास की, सुनने मारा ट्रेनिंग कम कर दी गई है, तो ट्रेनिंग भी होगी। मेडिकल रिक्वायरमेंट जिसे आपने सुना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट मैंने कुछ चीजें लिखी है मेडिकल रिक्वायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना है आपको। मेडिकल की भी नीड है, आपको पता है आर्मी में नॉर्मल डिफेंस की जितनी भी जॉब होती है मेडिकल की नीड होती है, आपकी फिटनेस भी देखी जाती है जो भी पर्सन होता है। मेडिकल रिक्वायरमेंट फॉर एनलिस्टमेंट इन द आर्म्ड फोर्स, जितने भी आर्म्ड फोर्स की लिस्ट में आएंगे स्टूडेंट उनके मेडिकल रिक्वायरमेंट की नीड है एज दे अप्लाई टू देयर पर्टिकुलर कैटेगरीज या ट्रेड्स, जिस पर्टिकुलर ट्रेड से अप्लाई हो सकते हैं कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उसका डिफरेंट मेडिकल की नीड होगी। फिजिकल पावर, रनिंग हमारे पास वही हाई जंप, लॉन्ग जंप, चेस्ट वेस्ट, वो सब नॉर्मल था हमारे साथ, बोल सकते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट होगी मेडिकल की, ये सब डिफरेंट कैटेगरी की अलग अलग होगी, ये भी चीज हमें बहुत अच्छे से पता है पहले से ही। यहाँ पे लिखा है हमारे पास जो अग्निपथ स्कीम में अप्लाई करने वाले, बोल सकते हैं उसमें सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट को अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। अग्निवीर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल कंटिन्यू टू बी द पॉपुलर फॉर एनरोलमेंट इन मेनी कैटेगरीज फॉर एग्जांपल, मतलब बोल सकते हैं जो अग्निवीर होंगे जो वहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू रखा जाएगा ताकि वो अपर पोस्ट पे अप्लाई कर सके या डिफरेंट बोल सकते हैं किसी भी अदर चीज के लिए, अपनी पोस्ट को चाहे तो बोल सकते हैं हाइक के लिए या अदर किसी भी अपने सेकंड फ्यूचर के लिए, बोल सकते हैं इस वाली स्कीम के बाद अपने जो स्टूडेंट जो अप्लाई करने वाले हैं जो भी अग्निवीर होंगे अपने सेकंड फ्यूचर के बारे में, सेकंड करियर के बारे में सोच के चलना है, तो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें स्टार्ट रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जैसे GD के लिए हम क्लास 10th की जरूरत होती है, ऐसी डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कंटिन्यू रख सकते हैं आप। ये अच्छा सा पॉइंट था यहाँ पर। कैन गर्ल्स अप्लाई फॉर अग्निपथ, अभी बताया मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो लिखा हुआ है कैन गर्ल्स अप्लाई फॉर अग्निपथ एंट्री एंड इज देयर एनी रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए कोई रिजर्वेशन है, गर्ल्स अप्लाई कर सकते हो, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया था, यस
नो एनी रिजर्वेशन, ऐसा कोई भी नो सच रिजर्वेशन कोई भी गर्ल्स के लिए, हो सकता है पर्टिकुलर स्पेशल कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, नॉर्मल सब बॉयज की तरह ही है। और हो सकता है फिजिकल में थोड़ा सा ट्रेनिंग रेनिंग चेंजेस होंगे, वो सब पता चल जाएगा आपको, हो सकता है नोटिफिकेशन आएगा उसके अपडेट के साथ साथ। When will अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्टार्ट, कब स्टार्ट होने वाले, बोल सकते 2022 की पहली अग्निपथ स्कीम या रैली कब स्टार्ट होगी, ये लिखा हुआ है अग्निपथ एंट्री रैली विल स्टार्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर, मतलब सेप्टेम्बर से अक्टूबर के बीच में ये अग्निपथ स्कीम स्टार्ट होने वाली है 2022 की। 2 से 3 अराउंड मंथ है तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। टर्म्स एंड सर्विस, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड सर्विस है जिसमें बहुत ज्यादा बोल सकते हैं बच्चों को डाउट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बोल सकते हैं प्रोटेस्ट जो है इसी का यहाँ पे एक रीजन है, यही इसका बोल सकते हैं डिसएडवांटेज लग रहा है स्टूडेंट को, है क्या हमारे पास टर्म्स इन का सर्विस जो है कंडीशन भी बोल सकते हैं। आफ्टर 4 इयर्स सर्विस आपको सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग जो अग्निवीर होंगे 4 ईयर की सर्विस के बाद 25% रिटेन्ड इन रेगुलर बेस ऑन मेरिट, मतलब मैं आपको सारी चीजें बता दूं, टोटल जब आपके पास माना 100 स्टूडेंट ने इनरोल किया, 100 सिलेक्ट हो गए, उसमें से 25% ही आगे कंटिन्यू करेंगे, किसके बेस पे, मेरिट के बेस पे, विलिंगनेस के और मेडिकल फिटनेस के, इन तीन चीजों के बेस पे, और भी उनका अंदर पैरामीटर हो सकते हैं, उनके बेस पे 25% अग्निवीर्स को रिटेन किया जाएगा, बाकी रिमेनिंग 75 लिखा हुआ है दे विल सर्व अनदर 15 इयर्स, जो 25% होंगे वो अगले 15 साल और सर्व करेंगे और अच्छे से जॉब कर सकते हैं एज यूजर जॉब करते थे। अदर अब 70 आप बोलेंगे सर 25% तो ठीक है, मेरिट के बेस पे, विलिंगनेस के बेस पे या फिर फिजिकल मेडिकल फिटनेस के बेस पे उन्हें अपडेट बोल सकते हैं, आगे की 15-15 इयर्स की सर्विस दे दी जाएगी, लेकिन रिमेनिंग जो 75% होगा उनका क्या होगा, ओनली अदर 75% डिमोबिलाइज बोल सकते तरीके से एग्जिट हटा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बोल सकते हैं यहाँ पे सेवा निधि दिया होगा, यहाँ पे लिखा है डिमोबिलाइज्ड विद एन एग्जिट, एक एग्जिट के साथ डिमोबिलाइज कर दिया जाएगा और उसे बोल सकते हैं सेवा निधि मिलेगी उन्हें। सेवा निधि में क्या मिलने वाला है, सेवा निधि गवर्नमेंट ने इसे नाम दिया है, सेवा निधि में हमारे पास क्या क्या मिलेगा, 75% जो बोल सकते हैं जिनको एग्जिट कर दिया जाएगा, एग्जिट किसके साथ, पैकेज के साथ, पैकेज हमारे पास 11 से 12 लाख रुपए का होगा, ये 11 से 12 लाख रुपए का जो पैकेज होगा मैं आपको बता दूं ये आपकी मंथली सैलरी में से 30% डिडक्ट होगा, उसका पोर्शन होगा जिसे पीएफबी बोलते हैं, फंड बोलते थे, ठीक है, बाय द ईयर मंथ, ठीक है फंड बाय द ईयर मंथ, जैसे मैंने बोला 30% डिडक्ट होकर आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर रेज हो रहा होगा सर सैलरी क्या है, सैलरी का प्रोसेस इस वाले पार्ट को रेज करके जस्ट 2 मिनट या 1 मिनट बाद आपको सारा सैलरी का पैकेज लिखकर बताऊंगा। फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट ईयर में बोल सकते हैं पहले साल आपको 4 साल है ना, 4 साल जो वर्क करने वाले हैं उनके लिए टोटल 100 स्टूडेंट जो भी 100 अग्निवीर होंगे वो तो 4 साल वर्क करेंगे, उसके बाद जाके 25% 75% के रेशियो अलग अलग होगा, तो इसलिए मैं बता दूं सैलरी वाला पोर्शन बिल्कुल अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे की और चौथे की सैलरी का स्कीम का प्रोसेस सब अच्छे से डिस्कस करेंगे चार्ट बनाकर। लिखा हुआ है स्किल सर्टिफिकेट, एक जो भी जिस स्किल में जिस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ट्रेड में वो होंगे तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बैंक लोन फॉर द सेकेंड करियर, जो 75% बोल सकते हैं एग्जिट कर दिए जाएंगे सर्विस से, जो हटा दिए जाएंगे उनको सेकेंड करियर के लिए बैंक लोन की भी यहां पर बोल सकते हैं एक तरीके से प्रॉफिट, एक तरीके से ना एक डिफरेंट बोल सकते हैं अलग चीज मिल रही है बोल सकते हैं बेनिफिट ही है। तो क्या है, सेकंड करियर के लिए बैंक लोन, एक स्किल सर्टिफिकेट और एक फंड मिलेगा 11 से 12 लाख रुपए का जो कि मंथली सैलरी में से 30% डिडक्ट करा जाएगा, जैसे प्राइवेट कंपनी में फंड के बेस पर दिया जाता है। कि इसमें से छोटे छोटे पॉइंट क्लियर हुए, जो रिमेनिंग तो इससे रिलेटेड जो डाउट थे वो भी काफी हद तक यहाँ पे क्लियर होंगे, रिमेनिंग एक छोटा सा सैलरी वाला पोर्शन और देखते हैं इस वाले पार्ट को रिस्क करने के बाद। कुछ रिमेनिंग पॉइंट जैसे कि सैलरी की बात करेंगे और थोड़ी सी पोस्ट की बात करेंगे, ये अग्निवीर जो है हमारे पास बोल सकते हैं आर्म फोर्स में किस पोस्ट के लिए अग्निवीर, किस पोस्ट के बोल सकते हैं जो भी हमारे पास सोल्जर्स हैं उन्हें अग्निवीर पुकारा जाएगा। बोल सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी टोटल 46,000 ईच ईयर एवरी ईयर, पहले साल तो हमारा 46 ईयर्स वैकेंसी आने वाली है, सेप्टेम्बर टू अक्टूबर में आ जाएंगी, लेकिन जस्ट उसके बाद 10% इंक्रीज एवरी ईयर, हर साल 10% हमारे पास वैकेंसी बढ़ाकर ही आएंगी। तो ये बोल सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बी रेडी, जो हमारे पास अग्निवीर बोल सकते हैं अग्निपथ स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो रेडी रह सकते हैं, फिजिकल बोल सकते हैं थोड़े से मेडिकल इन सब चीजों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, पोस्ट, टोटल पोस्ट 18 फॉर अग्निवीर, अग्निवीर इसके लिए जो बोल सकते हैं टोटल पोस्ट हमारे पास फोर्स में 18 टोटल पोस्ट होती है, कितनी होती है 18, सिर्फ 18 जो पोस्ट होती है उनमें हमारे पास कमिश्नर, कर्नल, मेजर सब हाईएस्ट बहुत सारी होती हैं, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमिश्नर, उन सभी चीजों को छोड़कर
बस इन चार पोस्ट के ही सोल्जर्स को अग्निवीर पुकारा जाएगा। अब इन चार पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, इन चार पोस्ट के लिए ही वो फोर ईयर वाली स्कीम है जो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। ये हमारे पास मुद्दा जो है इस चारों पोस्ट के लिए बन रहा है। ये चारों पोस्ट के लिए आप चार साल के लिए वर्किंग है, अदर पोस्ट के लिए ऐसा नहीं है, अदर पोस्ट के लिए अभी भी ठीक है। तो चार पोस्ट, 18 टोटल पोस्ट होती है, ध्यान रखना 18 में से चार पोस्ट कौन कौन सी हमारे पास, ये सिपाही की, ये हमारे पास लेंस नायक की, नायक की, हवलदार की, इन चारों पोस्टों के बहुत सारे सोल्जर को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट एक और पॉइंट, सैलरी का पैकेज जो बहुत सैलरी जो बोल सकते हैं, सैलरी का डाउट, सैलरी का पॉइंट जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, बहुत अच्छे सुनना है। ये हमारे पास ईयर्स है, पहले साल, दूसरे, तीसरे और चारों साल के मैंने यहाँ लिख दिया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ईयर बोल सकते हैं पहले साल में मंथली सैलरी जो आपको मिलने वाली है कितनी मिलेगी, 30,000, फिर 33,000, फिर 36,500, फिर 40,000, ये आपकी सैलरी होगी पहले साल में हर महीने की, 30,000 रुपए पर मंथ, फिर 33,000, 33,000, 36.5, 40,000 पर मंथ। लेकिन इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 70% दिया जाएगा इन हैंड, बाकी 30% आपका अग्निवीर फंड में बोल सकते हैं रिड्यूस कर रखा जाएगा। जैसे ही बोल सकते हैं 30,000 का 70% 21% 21,000 रुपए आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर के हर महीने, 9,000 रुपए आपके सेव किए जाएंगे अग्निवीर फंड के बेस पे, हर किसी में 30%, ठीक है। टोटल मिला के चारों साल के आपके 5.02 लाख रुपीज हो गए, ठीक है। इतना ही आपको बोल सकते हैं कंट्रीब्यूटर टू द कॉर्पस फंड बाय गोल, उनकी तरफ से जो मिलेगा इतने ही उनकी तरफ से मिलेगा, दोनों अप्रोक्स मिलाकर, बाकी रिमेनिंग चीज मिलाकर बोल सकते हैं एग्जिट आफ्टर फोर ईयर 11.71 लाख एज सेवा निधि पैकेज। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आप चार साल बाद एग्जिट करते हैं तो सेवा निधि पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको मैंने बताया आपको सेकेंड करियर के लिए लोन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी स्किल सर्टिफिकेट होगा, और थर्ड हमारे पास 11.71 लाख रुपीज की सेवा निधि मिलेगी, जो कि कहां से बोल सकते हैं हाफ अमाउंट आपकी सैलरी से हमारे पास डिडक्ट होने के बाद आएगा, और हाफ अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से। ये दोनों, ये प्राइवेट सेक्टर में भी ये प्रोसेस देखा होगा आपने, पीएफ वाला प्रोसेस देखा होगा। होप से इससे रिलेटेड लगभग लगभग सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ मतलब क्यों इसके ऊपर ज्यादा प्रोटेस्ट है, वो सब देख रहे हो सोशल मीडिया बोल सकते हैं, एक तरीके से बहुत ज्यादा कॉमन सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बोल सकते हैं इसे, सारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ना। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले, जिससे कि हम आपको डाउट को अपनी अपकमिंग वीडियोस में अच्छे से क्लियर कर सके। होप सो आज के सारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आज की वीडियो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, सारे टॉपिक आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप चैनल पर आए तो अपने करियर के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।